फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ किस तरीके से टॉक बैक को आप हटा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर ये सब बात करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटे का ऑप्शन आया तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा ये टच बिल्कुल काम करना बंद हो गया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऊपर नहीं हो रहा है और यहाँ पे लिखा आ रहा है टॉक बैक। तो इसको कैसे फिक्स करेंगे इस वीडियो के अंदर यही सब बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटे का ऑप्शन है तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं कैसे करेंगे टॉक बैक प्रॉब्लम को फिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, टू फिंगर से आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ करना है। एक फिंगर से नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो टू फिंगर से आपको इस तरीके से ऊपर लेना है। उसके बाद टॉक बैक पे सेटिंग पे क्लिक करना है। आप चाहे तो ऊपर नीचे करके ढूंढ सकते हैं ऐसे करके। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रीन कलर में सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद डबल टैप करना है फास्ट में। यहाँ पे टॉक बैक लिखा जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से ऊपर नीचे करना है। एक उंगली से करेंगे तो नहीं होगा, आप देख सकते हैं, काफी प्यारा लग रहा है। और फ्रेंड्स, एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप इसको किसी शॉप पे लेके जाते हैं तो आपको 300 से 400 रुपए 500 रुपए ले लेते हैं, बोल देते हैं स्क्रीन टच खराब है, क्योंकि इसमें एक सेटिंग होता है, इसको उसके द्वारा इसको ऑफ कर सकते हैं। तो आप ऐसा ना करें, कभी किसी शॉप पे ना जाए, एक बार यूट्यूब पे सर्च करें, अगर नहीं मिलता है तो समझ में आता है कि आप चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर नीचे करना है, दो उंगली को चिपका के या फिर तीन फिंगर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं दो फिंगर से आपको एक्सेसिबिलिटी पे जाना है। इस पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपको टू डॉट दिखेगा, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग दिखेगा, ग्रीन कलर में सेलेक्ट हो जाएगा जैसे आप क्लिक करेंगे। डबल टैप करना है, उसके बाद दो फिंगर से ऊपर करना है, एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है, फिर डबल टैप करना है। उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, तो फिर आपको ये टॉक बैक दिखेगा, इस पे क्लिक करना है, डबल टैप करना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है, उसके बाद ऑफ करने के बाद ऑप्शन आ जाएगा। तो ये रहा टर्न ऑफ टॉक बैक, तो इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करता ही आपको डबल टैप कर देना है और ये आपका बैकअप ऑफ हो गया और ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया। अब ये टच एक उंगली से काम कर रहा है। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये जो टॉक बैक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि बताइए, जबकि हाल ही में लॉन्च हुआ है, इस पर इतने कमेंट आ रहा था, तभी जाके मैं ये वीडियो बनाया हूँ। और आई होप कि आपका जो 500 से 600 रुपये मैंने बचा दिया है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और इस वीडियो के टारगेट लाइक है 5000, 5000 पूरा करना है आपको और एक महीने के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।